अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का फजल और करम हम सब पे हमेशा कायम और दायम रहे। आज मेरी रेसिपी स्टार्ट हो चुकी है, लाइट ना होने की वजह से पहले ही हमने स्टार्ट कर दी थी, तो बहुत लाइट आंच थी, तो उसके हमने ज़ाहिर लाइट नहीं थी, तो लहसुन अदरक हमने नहीं पीस सके जग में, तो हमने ऐसे ही उनको कूट लिया था। प्याज हमने लाइट ब्राउन किया है, उसके बाद हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक डाल दिए थे, उनको भून लिया था। फिर हमने टमाटर डाल दिए थे 3 अदद, प्याज भी हमने इतने ही लिए थे। 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने नमक डाल दी, 1.5 टेबल स्पून रेड मसाला गया था, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, और इसके अंदर थोड़ी सी मेथी और काली मिर्च भी हमने ऐड कर दी थी। आज ये मेरी कुकिंग मेरी बेटी ने स्टार्ट की है, तो वो मेरे साथ हेल्प करवा रही है। अब इसके लिए मैंने तकरीबन 1 kg चिकन ले लिया है, और इसके अलावा हमने दही भी ले ली है, तकरीबन ये 1 पाव है दही। अब हम चिकन जो है उसमें ऐड करेंगे अपने मसाले में और अच्छे से भून लेंगे। हमने मसाले को ग्राइंड किए बगैर ही हमने इसमें डाल के भून लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। फिर मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने सिरका भी ऐड कर दिया था, तो पानी डाल के हमने मसाले को ढक के रख दिया था। अब ये सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं लहसुन को भी इस तरह से कर रही हूँ, तो वो नरम है, तो आसानी से वो मसाले में मिक्स होता जा रहा है। बहुत ही आसानी से ये भी मसाला तैयार हो गया है। ये हमारी चिकन कढ़ाई बनने जा रही है। अब मैं इसमें चिकन को ऐड कर रही हूँ, अब फिर भून लेंगे इनको। स्पाइसेस ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने अच्छे से फिर हमने इनको भून लेना है। फिर हम दही ऐड करेंगे इसमें। इसमें 3 अदद मैं आलू बुखारे भी ऐड कर रही हूँ, वो मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। अच्छे से भून लिया है, हमारा तमाम मसाला मिक्स हो चुका है। देखें अच्छे से भून चुका है। 2 मिनट तकरीबन और भूनने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के ऐड कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं अपना मसाला तैयार करके मैंने रखा हुआ है घर में, जैसे कि बादाम, जायफल, जलवत्री, छोटी इलायची और काली मिर्च का मैंने तैयार किया। अब हम दही ऐड कर रहे हैं इसमें, तकरीबन मैंने पूरा डाल दिया इसमें दही। अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, लेकिन वक्फे वक्फे से मैं इसको चेक करती रहूँगी। इसमें हमारा चिकन भी सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे से मसाला भी तैयार हो जाएगा, और बाद में हम देखेंगे कि ग्रेवी अगर हमें और ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, वरना हम ऐसे ही इसको दही के साथ ही तैयार कर लेंगे। अब मैं इसको ढक रही हूँ। ये हमारी ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी और मसाले के साथ चिकन भी सॉफ्ट हो चुका है। तकरीबन 45 मिनट्स में हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हुई है। आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्ती बनती है और झटपट सी बनती है रेसिपी। रेसिपी देखने से पहले बेल के आइटम को ज़रूर दबा दीजिएगा, और ज़रूर रेसिपी मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई रेसिपी में इंशाल्लाह।